ईयर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट या पारिवारिक संसाधन प्रबंध के अंदर आता है हमारा मनी मैनेजमेंट, या हम इसको कह सकते हैं आय प्रबंध। इसमें मनी मैनेजमेंट में हमारा एक टॉपिक आता है इनकम यानी आय। आज हम इसी विषय को लेकर के आपको इसका एग्जाम्पल भी देंगे और इसको डिटेल में पढ़ाएंगे भी। आय क्या है? अगर हम किसी व्यक्ति से भी पूछेंगे आपकी आय क्या है या आपकी मनी क्या है, इनकम क्या है, तो वो आपको अपनी मंथली इनकम बताएगा जो महीने में उसे प्राप्त होती है, दैनिक इनकम बता देगा या वार्षिक इनकम बता देगा। लेकिन आय का जो प्रारूप है यानी इनकम का जो प्रारूप है वो इसके अंतर्गत ही नहीं आता है। जो भी व्यक्ति हमें कोई उपहार देता है या हम जो भी इंटरेस्ट से प्राप्त करते हैं वो सब आय होता है और उसको हम मौद्रिक आय कहते हैं। जैसे अर्थशास्त्र में आय की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, किसी व्यक्ति को अपने प्रयत्न, सेवा या संपत्ति के उपयोग के बदले में किसी निश्चित अवधि के अंदर जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे अर्थशास्त्र में आय कहते हैं। अब हम देखेंगे आय के प्रकार या टाइप्स ऑफ इनकम। इसमें सबसे पहली है मौद्रिक आय या मनी इनकम। सेकंड आती है वास्तविक आय या अमौद्रिक आय।